YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 बेहतरीन शेयर जो कि अभी आप बाय कर सकते हैं अगर निफ्टी या कहें मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव रहता है, मतलब मार्केट अगर आप मूव करता है तो आप इन स्टॉक्स को बाय करते हैं, अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लेकिन याद रहे, अगर मार्केट में गिरावट होती है तो मार्केट की गिरावट के साथ हर चीज़ यहां पर डिस्काउंट में मिलता है, तो जो भी प्राइस लेवल हम आपको बताएंगे अगर मार्केट में गिरावट होती है तो वो उससे ज़्यादा डिस्काउंटेड लेवल पर आपको मिलेगा, तो निश्चित रूप से डिस्काउंटेड लेवल पर आप बाय करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले जो हमारा स्टॉक्स है वह हिंदुस्तान यूनिलीवर, देखिए FMCG सेक्टर की लीडिंग कंपनी है और इस स्टॉक को आप जितनी गिरावट में बाय करें उतना अच्छा है। तो लेकिन यहाँ पर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से बाय करेंगे, जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है, जितना सिंपल हो हम सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर स्टॉक्स यहीं पर मोमेंटम दिखा रहा था लेकिन मार्केट में गिरावट के साथ इसमें जो है देखिए बहुत बड़ा रेड कैंडल बना था, लेकिन फिर से ये यहाँ पर वापस आ चुका है। तो यहाँ पर कल अगर ब्रेकआउट देता है जो कि है 2210 रुपये के ऊपर निकलता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, और यहाँ पर यह जो बाइंग होगा पोजिशनल बेसिस होगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, प्रॉपर रूप से स्टॉप लॉस जो यहाँ पर ब्रेकआउट पर हम बाय करेंगे तो वो इसके नीचे होगा, जो कि काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है, 2095 रुपये के नीचे होगा। तो यहाँ पर क्वांटिटी आपको अपने रिस्क के हिसाब से रखनी चाहिए। फिर यहाँ पर टारगेट की बात है तो टारगेट भी आपका काफ़ी अच्छा खासा होगा, तो टारगेट यहाँ पर लेके चलें तो पहला टारगेट जो आपको लेके चलना है वो आपको ये लेवल होगा, जहाँ से यहाँ पर देखिए सेलिंग प्रेशर आया था, तो ये सप्लाई जोन है, तो ये सप्लाई जोन आपको टारगेट लेके चलना है जो कि है 2330 रुपये का। तो यहाँ पर देखिए टारगेट भी अच्छा खासा है, 120 रुपीज़ का टारगेट है और 120 रुपीज़ के अप्रॉक्सी आपका स्टॉप लॉस भी है, 1:1 हो गया। फिर अगर इस लेवल को ये क्रॉस करता है तो सेकेंड जो टारगेट लेके चलना है वह है 2427 रुपये का। तो यहाँ पर देखिए अगर इस टारगेट को लेके चलते हैं आप ऊपरी लेवल का, तो यहाँ पर आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा 1:2 होगा। लेकिन ऐसे स्टॉक्स गिरावट में भी मिले तो हम बाय कर सकते हैं, अगर यहाँ पर गिरावट में मिलता है, मार्केट के साथ गिरावट होती है तो स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक्स फंडामेंटली इतनी सॉलिड है, FMCG सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई टेम्प्रोरी बेसिस दिक्कत नहीं है, आप इस स्टॉक को गिरावट में बाय कर सकते हैं और ये टारगेट लेकर चल सकते हैं। वहीं इसका अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो टारगेट लेके चलना है, वो टारगेट काफ़ी बड़ा है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको रिटर्न मिलेगा जो कि 2850 रुपये का। तो देखिए इतना बेहतरीन स्टॉक और इतना बेहतरीन रिवार्ड आपको मिलेगा, तो निश्चित रूप से आपको इस स्टॉक्स को बाय करके रखनी चाहिए। फिर जो दूसरा स्टॉक है वो है HDFC बैंक। देखिए HDFC बैंक यहाँ पर रिवर्सल दिखा रहा है तो अभी आप इसको बाय करके चल सकते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका काफ़ी छोटा होगा। यहाँ पर आप करेंट लेवल पर बाय करते हैं तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होगा अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करते हैं तो 1328 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस लेके चलना है क्लोजिंग बेसिस। वहीं आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं मतलब आप एक लंबे टारगेट के लिए तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 1290 रुपये के नीचे होना चाहिए, मतलब 1295 के नीचे, मतलब 1290 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। वहीं टारगेट जो है आपका वो ये लेके चलना है पहला 1670 रुपये का। देखिए कितना गजब का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है, तो काफ़ी बेहतरीन होगा, आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। तो ये यहाँ पर सप्लाई जो जोन है, सप्लाई जोन आपको टारगेट लेके चलना है, तो सप्लाई जोन देखिए ये लेवल है, सप्लाई जोन में हमारा जो लेवल है वो है 1670 से 1725 रुपये का, ये सप्लाई जोन है, तो ये टारगेट लेके चलना है। तो काफ़ी बेहतरीन रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है, यहाँ पर HDFC बैंक को बाय करके आप चल सकते हैं। अब तीसरा स्टॉक जिसको आप बाय कर सकते हैं पोजिशनल बेसिस, स्विंग ट्रेडिंग बेसिस, वो है जुबिलेंट फूड। काफ़ी बेहतरीन है, देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है कि अपने कंसोलिडेशन जोन से, मतलब जो एक डाउन ट्रेंड था उसमें जो ये कंसोलिडेशन जोन था, एक जो डिमांड जोन कहें, अब उसमें ये देखिए ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पर स्टॉक रेंज बाउंडेड था, मतलब यहाँ पर एक्युमुलेशन हो रहा था स्टॉक्स का, और एक्युमुलेशन से यहाँ पर ब्रेकआउट दे चुका है, तो यहाँ पर आप इसको बाय करके चल सकते हैं। तो अभी करेंट प्राइस पर आप बाय करेंगे, स्टॉप लॉस जो है आपका जस्ट यहाँ पर नीचे रखना है 533 रुपीज़ के नीचे, और यहाँ पर काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस है, जबकि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर जो पहला टारगेट आपको लेके चलना है वो टारगेट आपका हो जाएगा, यहाँ पर पहला है 670 रुपये का टारगेट लेके चलना है, तो अच्छा है 70-80 रुपीज़ के आसपास का टारगेट है। और फिर यहाँ पर जो सेकेंड टारगेट आपको लेके चलना है वो 800 रुपीज़ का,
तो काफी बेहतरीन रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, आप इसको बाय करके चल सकते हैं। वही इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो काफी ऊपर है, तो आप यहाँ पर अगर आप पर्सनल बेसिस लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलते हैं तो यहाँ पर आपको 50% का रिवार्ड मिलेगा, तो जो कि काफी बेहतरीन रिटर्न होगा। फिर अगला स्टॉक्स है कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए ये भी यहाँ पर रिवर्सल दिखा रहा है, लेकिन ये स्टॉक्स देखिए एक रेंज बाउंडेड है। यहाँ पर हम ड्रॉ करें तो ये हो गया, अब इसके पैरेलल ड्रॉ करें तो देखिए ये स्टॉक्स यहाँ पर इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, मतलब ये चैनल जो है डॉन बार्ट चैनल इसमें ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर अपने नीचे का जो इसके चैनल का जो नीचे का ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर देखिए रिजेक्शन लेकर के या कहें यहाँ पर डिमांड जोन से ये स्टॉक्स जो है जो ब्राइन प्रेशर आया है, जो बुलिशनेस आया है, उसके बाद स्टॉक जो है लगातार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर ये बुलिश कैंडल बनाया है, हैमर कैंडल है, हैमर के बाद ये फिर से यहाँ बुलिश कैंडल बनाया, एक नॉर्मल बुलिश कैंडल है, तो आप यहाँ पर करेंट प्राइस पर बाय करके चल सकते हैं। तो इसके नीचे जस्ट स्टॉप लॉस रखना है जो कि 1680 रुपये के नीचे या कहें 1675 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। अगर ये यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी ज़बरदस्त आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। अगर ये इस चैनल से बाहर आ जाता है तो यहाँ पर रिवार्ड जो है आपका काफ़ी बेहतरीन होगा, आप इस स्टॉक्स को भी बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पर देखिए टारगेट जो आपको मिलेगा, सबसे पहला ये 1965 रुपये का टारगेट लेके चलना है, जो कि यहाँ पर 200 पॉइंट्स का टारगेट है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। फिर जो सेकेंड टारगेट आपको लेके चलना है, इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है 2200 रुपये का सेकेंड टारगेट आपको लेके चलना है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ से काफ़ी ऊपर आपको टारगेट ये देखने मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको रिवार्ड मिलेगा। तो करेंट प्राइस पर यहाँ पर आप कोटक महिंद्रा बैंक को बाय कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर होगा का ये इस चैनल से बाहर निकले तो बाय करें, तो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे भी ये यहाँ पर ये जो डिमांड जोन है, डिमांड जोन से ये स्टॉक्स यहाँ पर मतलब यहाँ रिवर्सल कैंडल बनाया है, तो आप यहाँ पे भी बाय करके चल सकते हैं। थोड़ा सा छोटा सा स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर होगा। पांचवा स्टॉक जो है वो है पॉलीकैप। काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। अगर ये यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो आप बाय करेंगे तो ये प्राइस होगा इसके ऊपर बाय करने का 2775 रुपये के ऊपर निकलता है, तो आप इसको बाय करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक जबरदस्त ब्रेकआउट होगा, ये अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलेगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो रखना है, स्टॉप लॉस ने जस्ट इसके नीचे रखना है। ये जो फॉर्मेशन है ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न है। देखिए यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न है, तो काफ़ी बेहतरीन होता है, काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है ये पैटर्न। देखिए ये कप बना और ये इसका हैंडल है, तो कप एंड हैंडल पैटर्न इसको आप ट्रेड कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन ये रिटर्न देता है। तो इस यहाँ पर देख सकते हैं ये कप है, ये हैंडल हो गया, तो अगर यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो इसका जो टारगेट होता है, जनरली हम इसका डिप्थ लेके चलते हैं, ये जो डिप्थ है, ये जो गहराई है, इसको हम टारगेट लेके चलते हैं ऊपर। तो ये देखिए लगभग 26% है, तो ये टारगेट आप यहाँ पर लेके चल सकते हैं या यहाँ पर आप इस प्राइस वाइज टारगेट भी लेके चल सकते हैं। ये पांच बेहतरीन स्टॉक्स है जिसको अभी आप बाय कर सकते हैं। ये पांचों स्टॉक्स काफी फंडामेंटली सॉलिड है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और स्टॉक्स को बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर मार्केट में गिरावट होती है तो ये सारे स्टॉक्स बहुत ही जल्द काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य ले लें और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।